नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैंने घर पे ही सीमेंट के गमले बनाए और उसको रेड कलर से पेंट किया। इसके लिए मैंने एक ब्रश की सहायता से एक कलर लिया है, एशियन पेंट का है जो रेड कलर का है, और इसके ऊपर कीमत है 500 लिखी गई है, लेकिन इसे 380 रुपये में ही मुझे मिल गया। 1 किलो का डिब्बा 380 रुपये में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गमले के ऊपर एक गमला रख करके, जब गमला पूरी तरह से सूख गया, इसको पेंट करना स्टार्ट किया। हल्के हल्के हाथों से मैंने इस पर 2 बार पेंट किया है। गमले को अंदर से पेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम सीमेंट के गमले में मिट्टी भरते हैं तो उसके अंदर मिट्टी के रिसाव के लिए केशिकत्व गुण जो पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए अंदर पेंट नहीं करना चाहिए। मैंने केवल इसके गले पे और बाहर की तरफ पेंट किया है। पेंट पे निर्भर करता है साथियों कि पेंट कितने दिनों तक चलेगा, कितना गहरा होगा। ज़्यादा गहरा पेंट ना करें, कलर में काफ़ी पानी मिलाएं ताकि लिक्विड रहे, ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से साथियों, मैंने इनको सूखने के लिए धूप में रख दिया है। बाकी जो बच गए हैं उन पर लगातार हम एक ही दिन में करेंगे, ताकि कलर हमारा सेम रहे, गमलों में भिन्नता नहीं आए। क्योंकि बार बार हम अगर कलर को छोड़ देंगे, जब अगले दिन हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, उसमें फर्क आ जाता है और कलर हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। इस प्रकार से आप गमले घर पर ही बनाकर सुंदर सुंदर कलर सजा सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी 150 से 200 रुपये का मिलता है, और घर पर इसकी लागत 25 से 30 रुपये की आती है। जल्द ही मैं आपको अपने एक वीडियो में इसको बनाना भी सिखाऊंगा। धन्यवाद साथियों।